ये जो टाइटल है ना कि शान अहले बैत व सहाबा इकराम, ये टाइटल भी मुखालिफीन के लिए बहुत बड़ी दवाई है। चले मैं और आसान कर देता हूँ, कोरोना का दौर है, ये जो टाइटल है ना कि शान अहले बैत व सहाबा इकराम, ये टाइटल ही, ये उनवान ही मुखालफीन के लिए बहुत बड़ी डोज है। वो किस एतबार से, वो इतराज़ ये करते हैं कि ये तुम आल के साथ असहाब का जिक्र क्यों करते हो। वो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर कोई चोर है, इस वजह से तुम आल के साथ असहाब का जिक्र करते हो। ये इतराज़ है। अब आम बंदा जो है, जिसका नॉलेज नहीं है, जो किसी आलम दीन के पास बैठता नहीं है, तो वो कहता है पता नहीं यार, हम कोई बुग़्ज़े अहले बैत रखने वाले? मैंने पिछले दिनों भी ये जुमला कहा, हमसे बढ़ के कोई आल से प्यार करने वाला नहीं। आप कहेंगे उसकी दलील क्या है? भाई आप आज तक हमारे बड़े के एक रुपाई के ऊपर गुजारा कर रहे हो, आज तक आप में से इस सत्ता की कोई रुपाई नहीं लिख सका, आज तक आप भी इस रुपाई पर गुजारा कर रहे हो। वो तुम्हारे बंदे ने नहीं लिखी, वो हमारे बंदे ने लिखी है। शास्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीने पनास्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्ते दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। तुम अपने में से एक शेर ऐसा ला के दिखाओ, तुम्हारे में से कोई माई का लाल ऐसा है ही नहीं जो इस सभा पे आके इस सभा का शेर लिख रखे। लिखा है तो अहमद रजा ने लिखा, कौन सा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आप में से अभी कोई इस सदा तक नहीं आया, तुसी सारा कुछ करके तो तुसी भला की कहंदे हो? देखो जी, मुइनुद्दीन भी कह गए शास्त हुसैन, ते मैं कहा गल ते फिर साडे ते मुकी ना। बड़ी तवज्जो रखिएगा बात की तरफ। अब मैं आपको यहां पे जो बात समझाने लगा हूं, आपकी रूह तक सुकून पहुंचेगा अगर आप बात को समझ गए। उनकी किताबों के अंदर भी और हमारी किताबों के अंदर भी, ये जितने सादा लोग बैठे हुए हैं ना, इनकी मैं तवज्जो चाहूंगा। दोवां दी किताबां च लिखिया है, वली ओ बनदा है जिदे ते मोर हजरत अली अल मुर्तजा लांदे ने। बड़ी तवज्जो रखिएगा, बात समझ में आ गई, यकीन जानो आखिर तक आपको सुरूर नजर आएगा, आखिर तक आपको लोगों के चेहरों पर रौनक नजर आएगी। उनकी किताबों के अंदर भी लिखा है, हमारी किताबों के अंदर भी लिखा है, अल्लाह ताला मकाम वलायत उसको अता करता है जिस पे मोर हजरत अली उल मुर्तजा लगाते हैं। हुन नतीजा है निकलिया, वली ओ बंदा है जिदे ते मोर हजरत अली लांदे ने। ए दाता साहब कौन ने? सुनी। ए खाजा साहब कौन ने? सुनी। सियालकोट चले जाओ, हजरत इमाम अली उल हक शहीद ए कौन ने? सुनी। खाजा निजामुद्दीन औलिया कौन ने? बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर कौन ने? हूँ जरा दिल को लो पुछो, ए अली पाक ने सारिया मोहर सुनिया क्यों लाइया? तो जो रखना बात की तरफ, जब बात समझाने लगा हूं फिर मैं आपको बताऊंगा हजरत वाला के आल की नजर के अंदर साहब का मकाम क्या है। देखो ना, कोई नजर आता है दूसरे महकमे का, दाता साहब साडे, खाजा साहब साडे, बाबा फरीद साडे, हजरत इमाम अली उल हक शहीद साडे। गल मुकाई ना छड़ा, बाबा खादम हुसैन रिजवी। मैं आप सब की तरफ तवज्जो चाहूंगा, आप कभी अपने दिल से पूछो, कोई माई का लाल कह सकता है कि दाता साहब का ताल्लुक उनके साथ है? नहीं कह सकता। अगर बोलेगा तो दाता साहब की किताब कशल महजूब बोलेगी। कोई ये कह सकता है कि खाजा साहब का ताल्लुक उनके साथ था? नहीं कोई माई का लाल कह सकता। तो दोस्त ने मोहतशम वली वापस
सदियों मुर्तदा लगाते हैं, ये सारी मोरे सदियों तो क्यों लगाई है? आवाज आती है, ओए सदियों तुम हमसे प्यार करते हो, हम तुमसे प्यार करते हैं। आपने सिर्फ उनवान पे रहना है। वो कहते हैं ये आप आल के साथ असहाब का जिक्र क्यों करते हो?